सो हेलो एवरी वन, आई एम डॉक्टर मनीषा गुप्ता, आई एम प्रैक्टिसिंग ऑप्शन गायन इन दिल्ली। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपके शुरुआती प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने में अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हुई है तो वो क्यों हो रही है और उसमें घबराने की कोई बात है कि नहीं है, और ऐसा अगर होता है तो आपको आगे क्या करना चाहिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ब्लीडिंग होती है या फिर आपने अभी अभी कंसीव किया है, 10-15 दिन हुए हैं पीरियड को ऊपर हुए हुए, तो फिर आपको शुरुआत में अगर हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है तो उसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये 15 से 20% फीमेल में होता है, ये नॉर्मल होता है, क्योंकि बच्चा मदर की जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है उससे जब अटैच हो जाता है शुरुआत के कुछ दिनों में तो उससे हल्की फुल्की स्पॉटिंग होना नॉर्मल होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो स्पॉटिंग होती है ये कई दिनों तक चलती रहती है या फिर ये ब्लीडिंग का रूप भी ले लेती है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और फिर डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, कुछ एग्जामिनेशन करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि आपकी जो ब्लीडिंग हुई है ये आखिर में क्यों हुई है। तो आइए जानते हैं कि ये जो ब्लीडिंग होती है पहले 3 महीने में इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला मैंने बताया आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो कि 15 से 20% फीमेल्स में नॉर्मल होती है। दूसरा बहुत ही ज़रूरी जो रीज़न होता है वो होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन, मतलब कभी भी अगर आपको पहले तिमाही में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो इसकी शंका अबॉर्शन यानी कि गर्भपात की तरफ जाता है। अब ये जो अबॉर्शन होता है ये कई तरह के होते हैं। अब अगर ये अबॉर्शन के चांस अगर निकलता भी है, अगर कोई यू नो कन्फ्यूजन आता भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी, नहीं, उसमें कई सारी कैटेगरी होती है अबॉर्शन की जिनको हम मैनेज भी कर सकते हैं। तो जो पहला अबॉर्शन की कैटेगरी होती है, पहला टाइप होता है, वो होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है कि पेशेंट को हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है और जब डॉक्टर उनको एग्जामिन करते हैं या फिर कुछ टेस्ट करते हैं तो उनको अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन भी दिखाई देती है, बच्चा ठीक से सही जगह पर भी दिखाई देता है और डॉक्टर इसमें उनको कुछ सपोर्टिव मेडिकेशन, कुछ प्रोजेस्टेरॉन या फिर कुछ सिंपल एडवाइस देके घर भेज के उनको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कराते हैं। और जो दूसरा रीज़न होता है जो कि अबॉर्शन का एक टाइप होता है वो होता है कंप्लीट अबॉर्शन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती है, पेन के साथ काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स भी पास हो जाते हैं और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और अल्ट्रासाउंड होता है तो कभी कभी कुछ केसेस में वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है कि बच्चे की धड़कन नहीं होती है, गर्भाशय यानी कि जो सर्विक्स का ऑस है वो खुला हुआ होता है और प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो चुकी होती है। तो इस कंडीशन को हम कंप्लीट अबॉर्शन कहते हैं। इसमें हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी ऑलरेडी ख़राब हो जाती है और ऐसे में हम बस अगर कुछ बचा खुचा प्रोडक्ट है उसको DNC के थ्रू इवैक्यूएट करके निकाल देते हैं। तो ये हुआ दूसरा टाइप जो है कंप्लीट अबॉर्शन। ये कुछ किसी को कुछ को एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तभी होता है, ये हर पेशेंट में इतना कॉमन नहीं होता है कंप्लीट अबॉर्शन। और क्या क्या सोच सकते हैं आपको क्यों ब्लीडिंग हुई है पहले तीन महीने जो आपकी प्रेगनेंसी है। एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपकी महीना 1 हफ्ते या 2 हफ्ते चढ़ा है उसके बाद आपको पेन स्टार्ट हो जाता है एब्डोमेन में। वो पेन होता है वो बहुत ही सीवियर इंटेंसिटी का होता है और वो लगातार कांस्टेंट पेन होता रहता है और वो रिलीव नहीं होता है किसी भी मेडिकेशन से, और उसके साथ में पेशेंट को स्पॉटिंग भी होती रहती है और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करते हैं और एग्जामिनेशन करते हैं तो पता चलता है कि जो बच्चा है वो नॉर्मली बच्चेदानी में ना होके वो मरीज की जो नली है, जो फेलोपियन ट्यूब है, उसमें इम्प्लांट हुआ है। तो ऐसे में डॉक्टर इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करते हैं और उसको दवाइयों से या फिर सर्जरी से उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि अगर ये बच्चा आगे ग्रो करता है फेलोपियन ट्यूब में तो उसको जगह नहीं मिलती है ग्रो होने के लिए और ट्यूब फटने का चांस होता है, तो वो डॉक्टर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और वो उसको टर्मिनेट करते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो ये भी एक कारण होता है अगर आपको ब्लीडिंग पहले ट्राइमेस्टर में हो रही है या फिर फर्स्ट 3 मंथ्स में हो रही है। तो और किन कारणों से ब्लीडिंग हो सकती है, कई बार क्या होता है कि मदर बच्चा जो है वो मदर की बच्चेदानी से अटैच हो गया, वो प्रॉपर ग्रो करने लगा दूसरा या फिर यू नो तीसरा महीना हो गया
और अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो इसमें ऐसा क्यों होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, मतलब कि जो अगल नाल होती है बच्चे की, उसके पीछे कई कई बार जो खून इकट्ठा होने लगता है किसी भी वजह से, चाहे वो सेपरेशन की वजह से हुआ हो या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई भी ऐसी वजह है जिसकी वजह से अवल नाल के नीचे खून इकट्ठा होने लगे, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सब कोरियोनिक ब्लीड, यानी कि सब कोरियोनिक हिमाटोमा। इसमें भी इतना घबराने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ऐसे कंडीशन में मोस्टली प्रेगनेंसी को कंजर्व किया जा सकता है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। इसमें हम सपोर्टिव मेडिकेशन देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट देते हैं, और ट्रेनेक्सेमिक एसिड देते हैं, और कई बार प्रेगनेंसी नॉर्मली अच्छी खासी कंटिन्यू हो जाती है पूरे पूरे ट्राइमेस्टर तक। तो कभी कभी सब कोरियोनिक ब्लीड होता है, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं होती, ये सब डॉक्टर्स अपने लेवल पे मैनेज कर लेते हैं। इन सब बातों के बाद आपको पता चला होगा कि कभी भी अगर आपको ब्लीडिंग होती है पहले ट्राइमेस्टर में, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, कई सारे रीजन नॉर्मल होते हैं और कई सारे रीजन्स अबनॉर्मल होते हैं। ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए तुरंत, आपको ये जो सिम्टम है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट या फिर BSHG या फिर वो अल्ट्रासोनोग्राफी या खुद एग्जामिन कर रहे हैं, उनके थ्रू उसको ट्रीट कराना चाहिए, और इस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं। ऐसे में घबराने से कुछ नहीं होता, बस डॉक्टर के पास आप जाइए, वो आपको सॉल्यूशन देंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहले 3 तिमाही में ब्लीडिंग क्यों होती है पेशेंट्स को, और अगर होती भी है तो उन्हें क्या करना चाहिए। सो अगली वीडियो में बताऊंगी कि अगर ये ब्लीडिंग होती है तो ऐसे में आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए, और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी तरफ से ताकि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव रहे, आपकी कंटिन्यू रहे प्रेगनेंसी। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।